पजामा। आज हम एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का बनाएंगे और हम इसे दो तरीके से बनाएंगे, गैस पर भी और अवन में भी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मैरिनेड रेडी कर लेते हैं। ये 3 से 4 टेबल स्पून एकदम गाढ़ी वाली दही है। आप नॉर्मल होममेड दही को 5 से 10 मिनट तक छन्नी में रख दीजिए तो ऐसी ही गाढ़ी दही रेडी हो जाएगी। अब लेंगे अराउंड 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन। आप चाहो तो पेस्ट भी यूज कर सकते हो। अब लेंगे नींबू का रस। इसकी क्वांटिटी आप जो दही यूज कर रहे हैं वो कितनी खट्टी है उसके हिसाब से लीजिएगा। अब लेंगे अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून जितना बेसन। इसे थोड़ा सा भून के लेना है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और लेंगे 1 टेबलस्पून जितनी कुटी हुई काली मिर्च और जीरा थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है और फिर उसका पाउडर ले लेना है अराउंड 1 टेबलस्पून। अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टेबलस्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। और लेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून जितना चाट मसाला और 1/2 टेबल स्पून जितना काला नमक और लेंगे स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें लेना है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। पनीर टिक्का का ओरिजिनल फ्लेवर मस्टर्ड ऑयल से ही आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा कोई भी यूज कर सकते, लेकिन वो रेस्टोरेंट वाले फ्लेवर के लिए मस्टर्ड ऑयल ही यूज करिएगा। तो देखिए ये मैंने 3 से 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल को एकदम धुआने के बाद भी 2 से 3 मिनट तक गर्म होने दिया है। मस्टर्ड ऑयल का रॉ फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तो इसे भी मैरिनेड में ऐड कर लेंगे। और एकदम ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल बिल्कुल ही अलग नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए ये तो रेडी है। बाहर रेस्टोरेंट में तो वो लोग फूड कलर ऐड करते हैं तो बहुत ही ब्राइट रेड कलर आता है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी अभी मिर्ची की जगह लग रही है तो मैं 2 टेबलस्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर और ऐड कर रही हूँ। आप भी कश्मीरी चिली ही यूज करिएगा ताकि एकदम बढ़िया कलर आए और ज्यादा तीखा ना हो जाए। देखिए अब लग रहा है ना एकदम ही बढ़िया कलर। देखिए मैंने अनियंस को ऐसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है, ये अराउंड 15 से 20 पीसेस है, इसे ऐड कर देंगे। और सेम वे में मैंने कैप्सिकम को भी ऐसे स्क्वायर में कट कर लिया है, ये भी 15 से 20 पीसेस हैं, इसे भी ऐड कर देंगे और इन सभी को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद ही हम पनीर पीसेस ऐड करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं तो वो मिक्स करते वक्त टूट नहीं जाने चाहिए। ये तो रेडी है, अब पनीर भी ऐड कर देते हैं। मैंने ये 400 ग्राम जितना पनीर ले लिया है, इसे भी ऐसे स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है, ये भी अराउंड 15 पीसेस जितने ही हैं। तो चलिए इसे भी ऐड कर देते हैं और अब हाथ से ही इसे मिक्स कर लेंगे। एकदम हल्के हाथ से मिक्स करना है, सभी पीसेस एकदम अच्छे से कोट हो जाने चाहिए। तो देखिए ये एकदम रेडी है, अब हमें इसे मैरिनेट होने देना है। अराउंड 1 घंटे तक रहोगी तो बेस्ट है, लेकिन आधे घंटे तक भी ठीक है। 1 घंटा हो चुका है तो चलिए इसे स्क्यूअर्स में लगा देते हैं। देखिए मैंने 1 आलू को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, इन्हें स्टॉपर्स की तरह यूज करना है। सबसे पहले ये आलू का टुकड़ा जाएगा। अगर अवन में बना रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गैस पर क्या होता है जब सब्जियां थोड़ी सी कुक हो जाती है तो वो थोड़ी सी गल जाती है, इसीलिए स्टिक पर से उसकी ग्रिप छूट जाती है और वो स्टिक पे गोल गोल घूमने लगती है। इसीलिए आलू की मदद से सभी पीसेस को बीच में एकदम अच्छे से फिक्स कर देना है। तो देखिए सबसे पहले गया कैप्सिकम, फिर जाएगा अनियन और फिर जाएगा पनीर का पीस। और ऐसे ही मैं 1 स्क्यूअर में 3 पनीर के पीसेस डाल रही हूँ, इसीलिए टोटल ऐसे ही 5 स्क्यूअर्स रेडी हो जाएंगे। और लास्ट में वापस एक आलू का टुकड़ा लगाना मत भूलिएगा। तो देखिए ये एकदम रेडी है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो ऐसे ही मैं बाकी सब भी रेडी कर लेती हूँ। देखिए 5 स्क्यूअर्स रेडी है, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है ना। तो चलिए इन्हें कुक कर लेते हैं। सबसे पहले 4 स्क्यूअर्स अवन में रख देते हैं ताकि जब तक वो कुक होंगे तब तक हम एक गैस पे भी रेडी कर लेंगे। तो चलिए ट्रे को एकदम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं।
और चारों स्क्यूअर्स को ट्रे में रख देंगे। मैंने ओवन को 230 डिग्रीज पे 10 मिनट तक प्रीहीट कर लिया है और ये जाएगा ओवन में 230 डिग्रीज पे 15 मिनट के लिए विद बोथ रॉड्स एंड कन्वेक्शन फैन ऑन, और इसे हमें रखना है मिडल रैक पर। 15 मिनट के बाद हम इसे अपर रैक पे शिफ्ट कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ग्रिल कर लेंगे वो अच्छे से ग्रिल इफेक्ट के लिए। देखिए मैंने ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल लगा ली है ताकि सफाई थोड़ी सी कम करनी पड़े। और अब ये पनीर टिक्का बनेगा डायरेक्ट फ्लेम पर। इसे ऐसे ही धीरे धीरे रोटेट करते जाना है और हर एक साइड से कुक करते जाना है और एकदम अच्छी वो चाट इफेक्ट आ जानी चाहिए। ये वुडन स्क्यूअर्स मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। अगर आप भी ये वुडन स्क्यूअर ही यूज कर रहे हो तो एक स्क्यूअर में बहुत ज्यादा वेट मत भरिएगा वरना ये गैस में बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा क्योंकि हाथ पे ये थोड़ा सा गर्म लगता है और ये स्टिक का थोड़ा सा वेट भी लगता है। तो देखिए ये तो ऑलमोस्ट रेडी है, एकदम बढ़िया लग रहा है ना, एकदम बाहर जैसा ही बनता है ये, जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए ये एक बार ओवन वाला भी देख लेते हैं। ऑनेस्टली बताओ तो ओवन वाला बेटर बनता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है और बाहर से एकदम अच्छा क्रिस्पी क्रस्ट आता है। तो देखिए 15 मिनट हो गई है, ट्रे को अपर रैक पे ट्रांसफर कर लेते हैं विद ओनली अपर रॉड ऑन और इसे 5 मिनट तक ग्रिल होने देंगे ताकि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। इसमें गैस जैसी वो ब्लैक चारिंग इफेक्ट तो नहीं आती है, तो आप अगर चाहो तो ओवन में से निकाल कर बस गैस पे 1 मिनट के लिए डायरेक्ट फ्लेम पर वो ब्लैक इफेक्ट के लिए कुक कर सकते हो। कभी कभी थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो चलिए फाइनल टच दे देते हैं, स्मोक्ड फ्लेवर इन्फ्यूज कर देते हैं। इसे ढककर छोड़ देंगे अराउंड 10 से 15 मिनट तक, एकदम ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इससे। हाँ तो ये तो रेडी है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताना जरूर कि कैसा बना।